ये आज सुबह आता है। अच्छा यानी आज सुबह का है। चलो पहले करके देखेंगे आज। आज मान लो तो कचरा बहुत गंदा है, ऐसा बहुत इतना बहुत होता है और इतना गाड़ी बहुत फटी है रहा। और बाथरूम बनाया था ना ऑफिस सड़ गया। अच्छा तीन महीना हुआ, आप बताओ पूरा बताओ। नीचे देखना, हम गाड़ी में बैठ नहीं सकते फिर। ये देखो ये पूरा कुछ वहाँ तक दिखो, पूरा उधर से वो कचरा उधर तक उधर जाता है। हाँ यहाँ साइड जाते हैं, ये पुल के पास भी जाते हैं। इधर भी नया बाथरूम बना था, इधर भी सही है पूरा। सलामैकुम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। यास्मीन और मुंशी, ये चीज़ें दिखाने आई हूँ मैं आप लोगों को। जल्द से जल्द सबको इनवाइट कीजिए, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट में इनवाइट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो, जल्द से जल्द प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट। ये है गंदगी हमारी बॉम्बे की। मानकोट क्या नाम है अपना पूरा एरिया का? जन कल्याण सोसाइटी, हाँ, पीएमजी कॉलोनी, ओके पीएमजी कॉलोनी, ओके। ये पूरी चीज़ें मैं बताने आई हूँ। ये गंदगी देखिए, अब ये कैसे सरवाइव करना है, क्या है आप लोग समझ सकते हैं ये क्या चल रहा है। शेयर कीजिए जल्द से जल्द, इनवाइट कीजिए सबको। काय बोलते हैं अभी इधर से और कौन सा झोपड़पट्टी है? मेरे पूरा अंदर तक ही है, बाहर नहीं है, तो पूरा अंदर तक ही है। मेरे को ये अंदर तक अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर तक आप चल सकते हो। ये झोपड़पट्टी इतनी बड़ी है अंदर, ये सारी झोपड़पट्टी जो मैं बता रही हूँ आपको। और ये जो आप इसको नाला भी बोल सकते हैं, इसको पुल है ये एक्चुअली। एक ये पुल के बीच में डिवाइड होता है दो साइड, एक गटर जैसा नाला है, लेकिन ठहराव है इसका, पानी नहीं जाने की वजह से यहाँ पे मच्छर और बहुत गंदगी है और यहाँ हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है। आनी बीमार पड़ता है ना लोग का खूब है ना शताब्दी में, जाओ बहुत बीमार मिलेंगे। हाँ शताब्दी में ना, हाँ ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप हो सके तो जल्द से जल्द सबको इनवाइट कीजिए प्लीज़। ये सारी चीज़ें भी क्या है, ये दिखाने का एक ही मकसद है हमारा कि लोकसभा के इलेक्शन है, तो जो भी इलेक्शन में वोट मांगने आएंगे ना, तो इसके ऊपर एक नज़र मार लीजिएगा और मार्च अप्रैल के सारे वोटर्स आपको मिल तो जाएंगे। ये मैं आपको वापस दिखाती हूँ, यहाँ से राइट से मेरे ये पुल आया हुआ है गंदा। इसके बाद में देखो झोपड़पट्टी गई अंदर, 2-3 किलोमीटर तक आप चल सकते हो, इतनी बड़ी झोपड़पट्टी है।
उसके बाद में ये सारी चीज जो दिख रही है, देखो ये पुल आया है, ये पुल गाड़ी जो जा रही है, इसके बाद ये कंटिन्यू यहाँ से ये दूसरे साइड का पुल के बाद का गटर दिखाने वापस आई हूँ मैं आप लोगों को। ये सारी चीजें देखिए आप और बताइए कि कहाँ पे कौन सी सरकार काम कर रही है, सरकार 70 साल से कहाँ काम कर रही है, इसका ही मुझे खाली मालूमात चाहिए कि पिछले 70 ईयर्स में कौन सी सरकार ने एटलीस्ट काम किया है। फोटो मैडम ये सगळा आहे खूपच वाईट बघ दिसतंय ना, गंदगी आहे ना, मला काय आवडत नाही हे सगळे। कोणाला नाही आवडत ना, तर तुम्ही सांगा ना। आम्ही सांगतो ना, आम्हाला गंदगी आवडत नाही, आम्हाला असल्या घाणीत राहावं वाटत नाही, सरकारनं आमच्यासाठी काहीतरी योजना करावी, आम्हाला घर द्यावी, कितीतरी बिल्डिंग इथं खाली आहे त्या, ज्याला घर नाही त्याला सरकारने घर द्यावं, पाण्याची सोय करावी, लाईटीची सोय करावी, लहान लहान मुलाला आजारी यायला लागल्यात, मच्छर चावतं, डेकून चावतं, कितीतरी लोकांना बिमारी पडली, उठा येत नाही, बसा येत नाही, या गटरी येऊन जायला येत नाही, माणसं चक्कर येऊन पडतात त्या गटरी मध्ये। बरोबर, मग सरकारनं काहीतरी आमच्यासाठी करावं की काहीतरी गरगरीबासाठी सर्वांसाठी। आता हिंदीत बोलणार काय? हा बोलते। अच्छा सुनो, आप बोल रहे हो सरकार ने कुछ करना चाहिए। हाँ। पहला मेरा सवाल आपसे है कि आप कितने साल से यहाँ पे हैं? मैं यहाँ से 15 साल से है। 15? हाँ। आप बोल रहे हो झोपड़े के बदले घर नहीं दे रहे। हाँ। लेकिन मैंने सर्वे किया है। हाँ। ये जितने झोपड़े हैं ना, उसकी हाँ। महाड़ा की बिल्डिंग है। हाँ। महाड़ा की बिल्डिंग के अंदर कम से कम 40% लोग ऐसे हैं जिनके वो असली में वो मालिक नहीं है। मतलब हो सकता है आपका मेरा जो झोपड़ा है हम लोग मालिक है, लेकिन रह रहा है कोई और, उसको बेचा गया अपना अपना फ्लैट। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? तो फ्लैट बेचे गए तो कुछ तो वो लोग मजबूरी होएगा, काम धंधा नहीं रहेगा, कोई घर में। लोग बोल रहे हैं कि हमको बीएमसी से कोई ऑफिसर ने बेचा है। अब हम नहीं जानते, पिछले 8-10 साल 15 साल पुराना केस है। वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कैसे बेच सकता है, कोई तो तकलीफ होगा, कोई तरह उसके ऊपर कुछ तो मुसीबत आएगा। यहाँ से फोन आया, कोई लोग ऐसे सब लोग बेच सकते नहीं है, बेच के क्या वो लोग रोड पे आके थोड़ी सोएगा। अच्छा सुनो, उस दिन रात को यहाँ से फोन आया था, ये अंदर से हम लोग आए थे इधर, लेकिन बहुत रात हो गई थी, कुछ 9:30-10 बजे। अच्छा, तो वो लोग बोल रहे हैं कि मैडम हम लोग का सर्वे आया था। हाँ। सर्वे में भी बोला कि ये सारी चीजें हैं, लेकिन आपकी जो माड़ा की बिल्डिंग में लोग हैं ना, हाँ। उसके ऊपर स्टे ऑर्डर है, यानी जो लोग रहते हैं ना वो उधर ही रहेंगे, अभी क्या करने का। अभी जिसका जिसका घर तुमने दिया है ना पहले के लोगों को, तो तुम देख के जिसको घर ने उसको तुम दे दो ना घर, जिसको है उसको तुम तुम्हारा नहीं। अच्छी बात है, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पेपर लाके देंगे? हाँ देगा ना। आप अपने लोगों को बोलेंगे पेपर लाके? हाँ देगा, दिखाएगा तुमको लाके पेपर। हम सब सब लोग हमारा बहुत दिन से हम लोग इधर रहते हैं, हमको घर का बदले घर चाहिए ना, हम कहा जाएगा, सब लोग जिसको घर नहीं वो कहा जाएगा। बच्चे लोग इतने छोटे छोटे बड़े शादी भी है, बच्चे लोग कर रहे नहीं है, नशा करके जिंदगी जी रहे, नशा भी कर रहे हैं ना, करते ना क्या करेगा, गटर में रह के क्या करेगा, बोलता है माँ बाप को, बोलता है चलो कहा जाएगा, हम लोग पास है पैसा तो कहा जाएगा, कभी काम होता है कभी नहीं रहता है, कभी ना रहता है, सूखा सूखा रोटी खा कर दिन निकालता है। देखो 5 रुपए का कोथमीर लाया है, धनिया 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 कोथमीर मराठी में बोल, हम आई थी मला, आम्ही पण मराठी माणूस, 50 रुपया 60 रुपयाचा बाजार आहे काही, पहिले 60 रुपया था की गोणी येत होती बाजाराची, मग कसं खायचं कसं परवडायचं कैसे, कुछ भी नहीं हुआ। 5-6 हजारामध्ये परवडतं का महिनाभर कसं चालवायचं घर खर्च? 25 हजार आहे परवड। आता राखेल भी बंद झाले, केले आता राखेल इष्टवर स्वयंपाक करत, राखेल भी बंद झाले, राशन भी कमी झाले, 15 किलो मध्ये कसं गुजारा करावा सांगा बरं। राशन दुकानाला 20-25 रुपये गहू तांदूळ द्यायला लागले, ते राशनाला देतोय 15 किलो राशन, मग 10 माणसं 5 माणसं कसं खायचं 15 रुपया मध्ये सांगा, कधी काम आहे तर कधी काम नाही। त्यांना सांगा ना, कोणाला विचारा, MP आहे MLA आहे, आता खत आमचा आमदार खासदारच आहे, ते 100 आहे, ते एकाने ऐकते ते एकाला सोडून देते, ते तुम्ही त्यांना सांगा ना, आपण को बोला ना आमदार को खासदार को। साल भर में बराते साल में नहीं आता, 5 साल में एक बार आता है, अपना जेब भरता है खुर्ची खाली करता है,
गरीब को देखते न खाली गरीब मम्मी ने कहा मेरे को इतना बड़ा वोट दे इधर दे उधर दे और डालो बराबर लेकिन गरीब का क्या वोट मेरा उधर आता वोट देना काय तुम्ही आम्ही देणारच नाही आम्हाला जो घराच्या चावी देतील तब आम्ही वोट देणार बस बस हे होता चावी घराची हे होता ना तुम्हाला वोट बराबर कुठला भी असू जा बरोबर आम्ही कोणावर भरोसा आजकाल करणार नाही आम्ही कोणावर भरोसा ठेवणार नाही नंबर दाखवा आमच्या हातात चावी ठेवा मग तुम्हाला आम्ही वोट देणार बस कोणी पण असू धन्यवाद 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 खूपच आनंद झाला मला खूपच छान बोललं तुम्ही बोलले सलाम अलैकुम जय जय महाराज जय जय महाराष्ट्र तो इनकी सारी जय महाराष्ट्र हेलो जो यहाँ की दुविधा है सारी चीजें हमने बताई हैं लोगों ने बुलाया है और हम आए हैं लोगों की जानकारी बताई है आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज 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 आप सारी चीजें लोगों तक शेयर करें और एक बार फिर मैं आपको ये एरिया दिखा दूं जिन लोगों को नहीं मालूम वो मालूम पड़ जाएगा एक मिनट नहीं मैं नहीं जा सकती सबर सबर मैं यहाँ से दिखाती हूँ ना एक मिनट बताना ये बाजू ना ये कौन सा एरिया है कादी डिपो सोनापुर जल कल्याण सोसाइटी है ये अंदर तक बहुत अंदर गंदगी बहुत है अंदर बहुत अपना कचरा बिचरा बहुत है और थोड़ा ना बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं अंदर और अपना बहुत गंदगी पीट पीट सब करते हैं बहुत बच्चों को टीवी हो रहा है इधर और ये कचरा ये फटाक से उठाते नहीं नहीं उठाते ना बेटा आप लोग को बुरा लगता है मतलब क्या है अपना एरिया गंदा है बुरा लगता है एक मिनट अपना एरिया गंदा है बुरा लगता है अच्छा इधर अपने लिए कोई हॉस्पिटल छोटा क्लिनिक वगैरह है कुछ नहीं मस्ती मत करो रे नहीं है इधर नहीं है और ये अपने एजुकेशन के लिए पढ़ाई के लिए कौन से स्कूल में जाते हो इधर बहुत लंबा लंबा है कितना लंबा है लल्लू भाई जाता है इतना दूर सच में हाँ देवनार में भी है स्कूल स्कूल कितना दूर तिलक नगर चेंबूर बॉम्बे मोहते पाटिल ये एरिया में स्कूल नहीं है हाईवे पे नहीं नहीं अपना इधर आप उधर खड़े हैं अच्छा अगर हम लोग इधर स्कूल की सुविधा बनाएंगे तो तुम लोग को कैसा लगेगा अच्छा लगेगा जाने की जरूरत नहीं दूर वेरी गुड चल ठीक है हम लोग कोशिश करते हैं छोड़ दे नहीं रे बेटा नहीं पीने नहीं नहीं पीने का बेटा अरे आप सब लोग पूछे क्या उनने मेरी बात वो सब पूछे उनने नहीं नहीं इधर उसके दो बात आते पूछेगा सुन ना मेरे तो क्या पूछ रहा अच्छे की दशरथ थोड़ा वाल उल्टे करता कभी भी तुम लोग चुप बैठो झगड़ा मत करो सुनो ना मेरी बात सुनो अगर नशा पानी करेंगे तो लाइफ खराब होती है बराबर ना बच्चे अपन जब देश के भविष्य तुम लोग बच्चे ही हो ना तो अच्छे से जियो पढ़ाई कर जितनी पढ़ाई करने का ओके छोड़ दिया क्या उम्र है बेटा तेरी 16 का है तू अफसोस हुआ ना तुमको भी हाँ मेरे को अफसोस हुआ सच में हुआ क्या बोलूं फिर अभी 16 के हो तुम आप पता है कैसे लग रहे हो एक मिनट थोड़ा दूर जाओ मैं आप आईडी भी देख नहीं नहीं बराबर बोलते पूरी पूरी ऐसा वक्त तू 8 वर्षा है ना सोलह है ना मेरा चल ठीक है जाने दे होएगा उसकी हाइट कम होगी अच्छा बच्चा है छोड़ तुम लोग स्कूल ठीक है सुन ना इधर मलेरिया वगैरह बहुत होता होगा ना डेंगू मच्छर बिच्छर बहुत काटते हैं ये ना ये देखा ना मैंने ये रुकी भी है ना इसके लिए प्रॉब्लम है चलो थैंक यू सो मच आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों स्कूल के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी ठीक है लेकिन प्रॉमिस आप लोग पढ़ाई करोगे इधर ओके चल थैंक यू नहीं करेगा मैं लिख के देती हूँ ये पढ़ेगा ओके चल चल और बस इसके साथ हम लोग अपना लाइव वीडियो खत्म कर रहे हैं और देखें आपने कि इनकी क्या समस्याएं हैं सच में यहाँ की हालत बहुत खराब है महाराष्ट्र मुंबई की हालत बहुत खराब है और हम लोग चाहते हैं कि
कुछ भी करके स्वच्छ और स्वस्थ यानी हेल्दी और क्लीन नीट भारत बने। हम लोग तो अपनी पहल कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी हम लोगों को सपोर्ट करे। ये सारे गरीब हैं, इनके पास दो वक्त खाने की रोटी नहीं है और ये लोग यहाँ पे किस तरीके से जी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, आप सब जानते हैं। मैं तो सबसे पहले आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगी कि सबसे पहले आप सबको इन्वाइट करें इस वीडियो में। यहाँ के हालात, लाचारी, यहाँ की हर चीज़ आप लोग बताओ, लोगों में क्या चल रहा है, कितना क्रोध है लोगों में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम सच्चाई दिखा रहे हैं लोगों तक, तो आप लोग भी सच्चाई को लोगों तक पहुंचाओ, फॉरवर्ड करो और इंशाल्लाह जो भी है हम लोग भी पूरा योगदान देंगे। जितनी समाज सेविका हैं, जितने समाज सेवक हैं, हमारा योगदान है और मैं पूरी कोशिश करूँगी अब सरकार से इस एरिए में एक स्कूल खोलने की, भले वो फिर 10th तक हो, 8th तक हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी और ये मेरा वादा है, मैं पूरी कोशिश करूँगी मेरी संस्था के अंतर्गत एक स्कूल यहाँ पे खुलेगी छोटे बच्चों के लिए। चलिए, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अगर आप लिमरा टाइम से जुड़ना चाहते हैं, एज अ रिपोर्टर काम करना चाहते हैं, तो हमको इस नंबर पे संपर्क कीजिए। लिमरा टाइम्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, तेज ताज़ा खबरों के लिए।